एपिसोड की शुरुआत में हम गोन को एक फ्लाइट के अंदर देखते हैं जहां पर वो किलुआ के बारे में सोच रहा होता है, कैसे उसने उसके साथ टाइम बिताया था और कैसे उसने खुद बताया था कि वो एक असैसिन की फैमिली से आता है और उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो एक असैसिन बने, लेकिन ये नहीं चाहता कि ये एक असैसिन बने, अपनी जिंदगी को इस तरह से तबाह करना नहीं चाहता। इसके बाद लियोरियो एक फ्रेंच फ्राइ लेके गोन के मुंह में डाल देता है और कुरापिका बोलता है कि घबराओ मत, हम कल सुबह तक रिपब्लिक ऑफ पड़ोकियो तक पहुंच जाएंगे। और गोन अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि और वहां से मैं किलुआ को रेस्क्यू करके लेके आ जाऊंगा। इसके बाद गोन, कुरोपिका और लियोरियो तीनों की तीनों पहुंच जाते हैं डेंटोरा रीजन में, जहां पे अपना किलुआ और उसके जो फैमिली है वहां पे रहती है, वो भी कुकुरु माउंटेन के ऊपर। और जब ये डेंटोरा रीजन में पहुंच जाते हैं तो उनको पता लगता है कि एक बस है जो डेली जाती है कुकुरु माउंटेन के पास और उनको उसी के साथ जाना पड़ेगा और वहां पे एक टूर गाइड भी होता है जो उनको गाइड कर सकता है। उसके बाद वो टूर गाइड बताती है कि ये सब अभी कुकुरु माउंटेन के ऊपर जाने वाले हैं और बताती है कि कुकुरु माउंटेन के ऊपर जोल्डिक फैमिली रहती है जो कि असैसिन्स की फैमिली है। और उसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जो मतलब टूर और ट्रैवलर जैसे तो लग नहीं रहे, तो ये जरूर कोई और ही होंगे। उसके बाद हमें कुकुरु माउंटेन दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके ऊपर बादल भी घूम रहे होते हैं और इसकी हाइट लगभग 3722 मीटर है और इसके पूरे टॉप पे जोल्डिक फैमिली लिव करती है, मतलब वहां पे रहती है। उसके बाद हमें पता लगता है कि जोल्डिक फैमिली के अंदर कुल 10 मेंबर्स हैं, जिनमें से एक ग्रैंड ग्रैंडफादर है, एक ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, मदर है और फादर है और 5 बच्चे हैं और ये सब के सब एक एक असैसिन्स हैं। इसके बाद ये सब जोल्डिक फैमिली का जो फ्रंट गेट है वहां पे पहुंच जाते हैं, जहां पे वो टूरिस्ट बताती है कि ये फ्रंट गेट है और जो भी इस गेट से अंदर गया है वो कभी बाहर नहीं आया है, इसलिए इस गेट को द गेट ऑफ हेडिस भी कहा जाता है और जिसको भी अंदर जाना होगा उसको सिक्योरिटी चेक के अंदर से जाना होगा और इस गेट के अंदर का जितना भी एरिया है वो सब जोल्डिक फैमिली को बिलोंग्स करता है, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके बाद गॉन उस टूर गाइड से पूछता है कि हमें अंदर जाने के लिए क्या करना होगा, तब वो टूर गाइड बोलती है लगता है तुमने मैंने क्या कहा सुना नहीं, तो बोलते नहीं मैंने सुना लेकिन तुम बताओ कैसे जाना है, तो वो बोलती है पागल हो क्या, अंदर असैसिन रहते हैं, अगर तुम गए तो फिर तुम कभी वापस नहीं आने वाले। उसके बाद हम उन्हीं दो लड़कों को देखते हैं जो गाड़ी के पीछे बैठे होते हैं और जो एकदम टूरिस्ट जैसे नहीं लग रहे होते, वो तो बोलते हैं कि फैमिली ऑफ असैसिन रहती है जिनको कभी किसी ने देखा नहीं, यानी कि एक फोटो भी अगर हम उनसे ले लें तो हमें लगभग 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके बाद बोलते क्या सच में, फिर तो मुझे एक किलो के साथ सेल्फी ले लेनी चाहिए थी और मैं करोड़पति बन जाता। उसके बाद ये दोनों लड़के जाते हैं गेट कीपर के पास, उसका कॉलर पकड़ते हैं और उससे गेट की चाबी मांगते हैं, लेकिन ये बोलता है कि मैं नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे मास्टर मुझे खत्म कर देंगे, मेरे मास्टर मुझे नाराज होंगे। तो ये बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा मास्टर को भी मार दूंगा, तुम बस चाबी दे दो, और ये चाबी भी उनको दे देता है। उसके बाद ये दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं और बूढ़े को धक्का मार के गिरा देते हैं। उसके बाद गॉन उनके पास जाता है और बोलता है कि आप ठीक हैं, वो बोलते हैं मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है जब मीके मील्स के बीच में खाना खाता है। उसके बाद उस गेट के अंदर से कुछ जोरों से आवाज आती है और वो उन्हीं दो लड़कों की होती है और उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों की खोपड़ी कोई बड़ा सा हाथ ला के बाहर फेंक देता है, यानी कि ये दोनों मर चुके हैं अभी और कोई बड़ा सा क्रिएचर जो इनको खा चुका है। इसको देख के बाकी सबके सब टूरिस्ट और टूरिस्ट गाइड डर जाती हैं, वो सबके सब जाके गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और आखिरी में ये गॉन कुरापिका लियोरियो को बुलाते हैं लेकिन ये बोलते हैं कि हम नहीं आ रहे तुम जा सकते हो। उसके बाद ये सब चले जाते हैं। उसके बाद उस गेट कीपर को पता लगता है कि ये सब किलुआ के दोस्त हैं, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस फैमिली के अंदर अब तक किसी के भी दोस्त थे नहीं लेकिन किलुआ ने पहली बार दोस्त बनाया होता है, इसलिए वो खुश होता है और बोलता है कि मैं यहाँ से लगभग 20 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने कभी किसी दोस्त को आते जाते यहाँ पे नहीं देखा और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, ये बहुत ज्यादा लोनली प्लेस है, बस सिर्फ इस तरह के लोग ही आते रहते हैं। उस खोपड़ियों को दिखा के बोलता है कि इस तरह के बहुत सारे लोग आते रहते हैं वरना यहाँ पे कोई भी नहीं आता। उसके बाद वो गेट कीपर बोलता है कि तुम दोस्त हो सकते हो लेकिन मैं उसके बावजूद तुम्हें नहीं जाने दे सकता क्योंकि तुम अगर अंदर जाओगे तो तुम्हें पता है मिकी कितना बड़ा क्रिएचर हो तुम्हें खा जाएगा और अगर वो तुम्हें मार देगा तो मैं कभी भी किलुआ के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। इसके बाद वो बताता है कि मिकी बहुत बड़ा सा वॉच डॉग है जो कि जोल्डिक फैमिली को सर्व करता है और 10 सालों से उसके मास्टर ने उसको ऑर्डर दिया था कि जो भी यहां से आए उसको खत्म कर देना और वो 10 सालों से उसी ऑर्डर को
पालन कर रहा है। और क्योंकि जोल्डिक फैमिली के असैसिन्स की फैमिली, तो उनके लाखों करोड़ों दुश्मन होंगे जो उनके ऊपर हमला करना चाहते होंगे, इसलिए यहाँ पे मीके है जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद कुरप्पिका बोलता है कि तुम्हारे पास एक चाबी है, यानी कि तुम्हें अंदर जाने की जरूरत पड़ती होगी, अगर तुम अंदर जाते हो तो फिर तुम कैसे सेफ हो। उसके बाद वो गेट कीपर बोलता है कि तुम सिर्फ आधे ठीक हो, मुझे अंदर जाने के लिए कोई चाबी की जरूरत है नहीं, ये चाबी सिर्फ घुसपैठियों के लिए है जो घुसपैठ करना चाहते हैं, और इसलिए हमने फ्रंट गेट के सामने एक लॉक्ड रखा होता है जिसको वो हमसे यानी कि मुझसे लेके जा सके और वो खोलने के बाद उनका मीकी का शिकार बन जाए। उसके बाद कुरप्पिका बोलता है इसका मतलब वो गेट एक्चुअल में लॉक नहीं है। ये बोलते कि हाँ वो गेट लॉक नहीं है। उसके बाद वो फ्रंट गेट के सामने लेके इनको जाता है जहाँ पे लियोरियो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, थक जाता है और थक के हार जाता है, लेकिन उस गेट को हिला तक नहीं पाता और पूछता है क्या सच में ये लॉक नहीं है, और बोलता है कि वो लॉक नहीं है, बस तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए इसको खोलने के लिए। उसके बाद वो गेट कीपर अपना शॉट निकालता है और बोलता है कि ये एक टेस्टिंग गेट है, जो इसको खोल पाएगा वही अंदर जा पाएगा, जो नहीं खोल पाएगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस गेट को खोल के दिखाता है, यानी कि जो गेट इनसे नहीं खुल रहा था ये इससे खुल रहा था, यानी कि वो गेट बहुत ज्यादा भारी होगा, उसको खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो गेट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद भी हो जाता है, यानी कि कोई अगर खोलेगा तो उसको अचानक से मतलब जल्दी से अंदर भी जाना पड़ेगा वरना वो फिर से बंद हो जाएगा। इसके बाद वो होता था कि जो भी इस टेस्टिंग गेट के अंदर से जाएगा उसके ऊपर मीके अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मीके को ऑर्डर्स मिले जो भी टेस्टिंग गेट से जाएगा उसके ऊपर अटैक ना करने के लिए। उसके बाद वो बताता कि हर गेट 2 टन का है और ऐसे 7 गेट हैं और एक गेट अपने पिछले वाले गेट से 2 गुना ज्यादा भारी होता है। पिछली बार जब मास्टर किलुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था तो उन्होंने 3 गेट खोल दिए थे, और जिसको सुन के गॉन बोलता है कि 3 गेट यानी कि 12 टन, लेकिन कुरप्पिका बोलता है कि 12 टन नहीं 16 टन, और इसको बोल के ये थोड़ा हंसने लगता है क्योंकि इसका मैथ बहुत ज्यादा वीक होता है। उसके बाद गॉन अचानक से सीरियस हो जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने दोस्त को देखने के लिए, मैं तुम्हारे कोई फालतू सा टेस्ट देने के लिए नहीं आया, तो तुम मुझे एक घुसपैठिया समझो और मुझे वो चाबी दे दो, मैं उसकी तरफ से चला जाऊंगा। तब ये बोलता है कि अगर तुम वहां से जाओगे तो तुम्हें मीके मार देगा और ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम किलुआ के दोस्त अगर तुम मारे गए तो मेरी तो शामत आ जाएगी। उसके बाद गॉन बोलता है कि अगर तुम मुझे चाबी नहीं दोगे तो मैं दीवार फांद के चला जाऊंगा, और ये मजबूर हो जाता है, ये चाबी तो नहीं देता लेकिन बोलता है कि शायद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता होगा, तुम जरा रुको। उसके बाद वो किसी को फोन करता है और बताता है कि मैं जेब्रो बोल रहा हूं, यानी कि इसका नाम जेब्रो होता है, और बोलता है कि यंग मास्टर किलुआ के कुछ दोस्त जो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो उनको साफ मना कर देता है कि कोई नहीं मिल सकता और इसको उल्टा डांट देता है। उसके जेब्रो बताता है कि अभी वो परेशानी में घिर चुका है क्योंकि वो अभी बटलर से बात कर रहा था और जोल्डिक फैमिली से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, वो बटलर के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद गॉन पूछता है क्या तुम फिर से कॉल कर सकते हो, तो ये बोलता है कि हाँ कर सकता हूँ। और इस बार गॉन फोन करता है और वो फोन को उठाने के बाद उससे बोलता है कि मैं गॉन हूँ, मैं किलुआ का दोस्त हूँ, लेकिन वो जो बटलर होता है वो बोलता है कि किलुआ का कोई दोस्त है नहीं, और इतना बोलने के बाद वो फोन काट देता है। उसके बाद गॉन फिर से फोन करता है और इस बार चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है कि किलुआ के दोस्त है या फिर नहीं है। उसके बाद वो बटलर बोलता है तुम्हारा नाम तुमने गॉन बताता है राइट, और ये बोलता है हाँ, तो तुम बताओ कि मैं कैसे मान लूं कि तुम ही गॉन हो। उसके बाद गॉन बोलता है तुम फोन किलुआ को दो जो मुझे पहचानता है। उसके बाद वो बटलर इसी का एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और बोलता है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग को जैसे मैंने अभी रिकॉर्ड किया वैसे भी कोई भी तुम्हारी वॉइस को मिमिक कर सकता है, तुम मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम ही गॉन हो, अगर तुम बोलते हो कि तुम्हें देखने से पता चल जाएगा तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम मतलब वही बंदे हो, अगर तुम बोलोगे किलुआ देख के पहचान जाएगा तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो तुम्हारी तरह फेस ले सकते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि तुम्हारा जैसा फेस ना ले सकते, तुम हो सकता है कि तुम कोई असैसिन हो, तुम किलुआ को मारने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें उससे मिलने के लिए नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ, ऐसा बोल के वो फोन काट देता है। इतना सुनने के बाद दिमाग खराब हो जाता है गॉन का और गॉन अपने फिशिंग रॉड लेके सीधा उस दीवार पे दे मारता है और उस दीवार को चढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे लियोरियो और कुरप्पिका उसको रोकने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि मीके तुम्हें मार देगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, वो ऊपर चढ़ रहा था। तभी वही आता है यानी कि जेब्रो आता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता होता है कि ये आसानी से मानने वाला है नहीं, और वो पता लगा लेता है कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा जिद्दी है, इतने आसानी से तो मानेगा नहीं, तो ये एक और रास्ता निकालता है और ये खुद लेने की बात करता है। ये बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दूंगा और तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता, मुझे अकेले जाना, लेकिन वो बोलता है कि मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, तुम्हें अगर मीके मार देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके बाद गॉन नीचे उतर जाता है और जेब्रो से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और जिसको सुन के जेब्रो को पता लग जाता है कि गॉन सच में दिल का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा बच्चा है। इसके बाद ये सब टेस्टिंग गेट की मदद से अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जेब्रो मीके को बुलाता है कि मीके इधर आओ, और हम देखते हैं मीके सच में आ जाता है, वो बहुत बड़ा वाला क्रिएचर होता है
और इतना बड़ा कुत्ता मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं था। इसके बाद जेब्रा बताता है कि ये मीके द हाउंटिंग डॉग और ये एक मशीन की तरह है, वो अपना काम करते ही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, और इसको ट्रेन ही किया गया हंट करने के लिए, इसलिए हंट में सबसे ज़्यादा माहिर है। और ये पूछता है क्या तुम में से कोई इसके साथ फाइट करना चाहेगा, लेकिन सबके सब डरे हुए होते हैं, सबके पसीने निकल रहे होते हैं, और गोन बोलता है कि मैं इससे कभी लड़ना नहीं चाहूँगा, उसको देख के मुझे डर लगने लगा है। उसके बाद जेब्रो पूछता है कि तुम सब यहाँ पे कब तक रहने वाले हो, और ये बोलते हैं कि जब तक हम किलो को देख नहीं लेते तब तक हम यहीं पर रहेंगे। और इसके साथ ये सब जेब्रो को फॉलो करने लगते हैं, जेब्रो जो कि किलो के पास इन सबको लेके जाने वाला होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फीडबैक बता देना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इतना कुछ कर रहे हो तो खुद भी सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि सबकी घंटी बजे अपनी भी बज जानी चाहिए। तो एकदम घंटी को जोरों से दबा देना, एकदम टर्न करके आवाज आ जानी चाहिए।